T20 test on one day. India, England, Australia. Welcome back to Waadaplaya. We are now previewing the next team, which is none other than few times world champion, world 50 over cricket champions, Australia. But guess what? They haven't won anything in T20 cricket. I have Suman, Akash and Vishak with me. Let's quickly jump in to see what their squad looks like and what are the key matches coming up for them and where they may potentially finish. Vishak, आपसे शुरू करते हैं. क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया कुछ कमाल कर पाएगी इस बार? ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड है उनके पास, मगर उनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं लग रहे. डेविड वार्नर बहुत ही खराब फॉर्म में है, एरन फिंच भी उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है. उनके बॉलर्स भी आप देखोगे तो इंडिया के साथ जो वार्म अप मैच हुआ था 9 बॉलर्स इस्तेमाल किए थे इन लोगों ने, मगर 1 ही विकेट लिया. तो बॉलिंग भी थोड़ा कंसर्न है, मगर मिचेल स्टार्क को कभी रोल आउट मत कीजिए क्योंकि उनका पेस जैसा है, अच्छे यॉर्कर्स डाल सकते हैं. अगर बॉल स्विंग हुआ तो बहुत ही खतरनाक बन सकते हैं. जॉश हेजलवुड है जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे थे यूएई लेग में. तो बॉलिंग तो एडम ज़ाम्पा जो बहुत ही अच्छे स्पिनर है, मगर इनके मेन प्रॉब्लम है बैटिंग. आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल अच्छे फॉर्म में है, बाकी सब बैट्समैन उनके उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है. वही एक प्रॉब्लम होगा कि उनका बैटिंग कैसे क्लिक होगा, उसके हिसाब से उनका प्रोग्रेस रहेगा. क्या लगता है आपको आकाश? आकाश, मुझे लगता है हम लोग इंडिया से कुछ बैट्समैन इनको डोनेट कर देते हैं और थोड़े ऑलराउंडर ले लेते हैं इनसे. एक्चुअली फैक्ट बिल्कुल वही सही है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उनके ऑलराउंडर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ना. उनका टॉप ऑर्डर अच्छा है, बॉलिंग भी उनका यूएई लेग में इतना खास लगा नहीं बाउंस मैचेस में. तो जो बीच के ऑलराउंडर्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही क्रूशियल होंगे, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो, मिचेल मार्श हो या ग्लेन मैक्सवेल हो या इवन फॉर दैट मैटर एस्टन का. तो ये अपने दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों परफॉर्मेंसेस में कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया थ्रू होगा कि नहीं. I am predicting them to be the dark horse of Group A. Actually, I don't think that they'll easily make it into the semi-finals. Suman, आपकी favorite team और आपके favorite player डेविड वार्नर, दोनों के बारे में बताइए. डेविड वार्नर कुछ कमाल कर पाएंगे? SRH के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, टीम से अंदर बाहर हुए, कभी स्टैंड्स पे दिखे, कभी होटल के अंदर रहे, इंस्टाग्राम में ज्यादा दिखे, वो फील्ड पे कम दिखे. क्या लगता है आपको टीम और डेविड वार्नर के बारे में? पूरा ऑस्ट्रेलिया का टीम तो दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि पिछले 2 श्रृंखला जो थे T20 के ऑस्ट्रेलिया के साथ, दे परफॉर्म रियली बैडली. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग विशाख एंड आकाश फॉर नॉट काउंटिंग देम, बट लुक, दे आर अ क्वालिटी साइड, दे नो इन वर्ल्ड कप हाउ टू विन. एंड द T20 गेम, लाइक आई ऑलवेज से, इज अ शॉर्टर वर्जन, एवरीथिंग मूव्स क्विकली. Hopefully the form comes through and they peak it at the right time. But if they do make it to the top 4, there's no stopping. I think that's the first leg where Australia will be focused on. क्या मैं सुन रहा हूँ आप लोग prediction आप ऐसे होगा, ऐसे नहीं, आपके हिसाब से क्या होगा ये बताइए. विशाल जाएगी या नहीं आगे, ऐसे बताइए आप. एक ग्रुप वैसे आप देखोगे तो बहुत तगड़ा है, तो ग्रुप ऑफ डेथ है, तो बहुत ही टफ है. मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, 2 सब कॉन्टिनेंट टीम्स भी हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका. और आप देखोगे तो श्रीलंका 3 मैचेस शारजा में खेल रही है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा. तो ऑस्ट्रेलिया को आप देखोगे तो थोड़ा उनका बैटिंग थोड़ा वीक लग रहा है अभी, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो मुझे वो टॉप 2 में उस ग्रुप में नहीं फिनिश करेंगे. इसमें आपने बहुत हिचकिचा के बोला इंग्लैंड मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करने वाले, सीधे एकदम. इसमें ऐसा है, बहुत हैवी हार्ट से नहीं यार, सुमन को बुरा लग जाएगा. अरे ठीक है यार, सुमन झेल लेंगे. SRH की इतनी बुरी हार झेले वो, आज उनका मतलब दिल एकदम पत्थर हो चुका है अब तक. तो आकाश, आप क्या बोल रहे हैं? यार मैं उनको डार्क हॉर्स ही रखूंगा. हो भी सकता है, नहीं भी सकता, डिपेंडिंग ऑन अदर टीम परफॉर्मेंस. काफी डिफिकल्ट है आई नो T20 में प्रेडिक्ट करना. सुमन, आपने क्या कहा था, करने वाले क्वालिफाई या नहीं? ऑस्ट्रेलिया करने वाला है क्वालिफाई. मुझे भी लगता है ये लोग क्वालिफाई. आई लुक एट देयर टीम, मुझे जिसके भी टीम में ऑलराउंडर्स है ना, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा बेहतर करेंगे इस फॉर्मेट में कंपेयर टू टीम्स व्हिच आर टॉप हेवी या सिर्फ बैट्समैन है. और बॉलर्स ही है 4-5, तो वहाँ मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया विल प्रॉब्ली डू बेटर। ग्लेन मैक्सवेल, वॉच आउट फॉर हिम, इतना अच्छा उन्होंने कभी खेला नहीं था। 2014 आईपीएल में बहुत अच्छा खेले थे, यूएई में था, इस बार बहुत ही बढ़िया आरसीबी के साथ खेले वो, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा खेलेंगे और टीम को आगे ले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी होपफुल ऑफ Australia making it through, but who knows, there are lots of other teams in this group of death. So we'll see you tomorrow, sorry not tomorrow, we'll see you next time for another preview. Till then, take care. Thanks Suman, Akash and Vishak. Later. Thank you guys.